નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ. ટુડે ઇટ્સ ટાઈમ ફોર સ્ટોરી. ડુ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન અ સ્ટોરી? નાવ વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર સ્ટોરી, મિટુ એન્ડ ધ યલો મેંગો. એન્જોય ધ સ્ટોરી. Hello children, how are you all? Standard first subject English, unit 4. Today we will learn story, right? Do you want to listen a story? It is very beautiful and you will love it. I think that you are very interested in story, right? Okay, today's story name is Mittu and the Yellow Mango. Mittu पैरेट का नाम है, राइट? एक पैरेट है, उसका नाम मिट्टू है, राइट? एंड येलो मैंगो. मैंगो का कलर कैसा होता है बच्चों? येलो, राइट? तो ये स्टोरी एक मिट्टू और मैंगो के बारे में है. तो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों. आपको सुनना है स्टोरी, तो चलो पहले हमें क्या ओपन करना है? टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, राइट? नाउ प्लीज ओपन पेज नंबर 45, ओके? एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली. जब आप लिसन करोगे अच्छी तरह से इस स्टोरी को, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है. और जैसे ही आपको मजा आ जाएगा, तो स्टोरी को ऐसे याद रह जाएगी, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. मिट्टू एंड द येलो मैंगो, राइट? This page, okay children? चलो सबने ओपन कर ली बुक, तो अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, मिट्टू एंड द येलो मैंगो. फर्स्ट लाइन दे आर स्टार्टिंग, ओके? प्लीज पुट योर फिंगर ऑन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट फिंगर ऑन योर टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू रीड आफ्टर मी एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली, ओके children? मिट्टू वॉज अ पैरट. मिट्टू एक पैरट था, राइट? ओके, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक. वेरी नाइस. पैरट कैसे कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, राइट? और उसकी बीक, उसकी चोंच कैसे कलर की होती है? रेड कलर. वेरी नाइस. मिट्टू वाज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक. वेरी नाइस. वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्टू क्या कर रहा था? मिट्टू फ्लाइंग कर रहा था. हाँ, आपने देखा होगा पैरट कैसे इधर उधर अच्छी तरह से फ्लाइंग करने रहता है, राइट? तो ऐसे भी मिट्टू भी फ्लाइंग कर रहा था. वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. ही लव्ड टू फ्लाई. उसे फ्लाइंग करना इतना पसंद था, तो वो हरदम फ्लाइंग करता रहता था, यहाँ से वहां, वहां, राइट? ओके, वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. ही लव टू फ्लाई. ही लुक डाउन. उसने नीचे देखा. नीचे देखता है फ्लाइंग करते करते, राइट? वो फ्लाइंग कर रहा था और उसने नीचे देखा, डाउन नीचे, राइट? ही वॉर ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. वाओ, उसने जैसे ही डाउन डाउन देखा, तो क्या देखा? एक ट्री में बहुत ही बिग, बड़ा सा येलो कलर का मैंगो है. ही सो अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. बड़ा सा मैंगो देखा. अब देखते हैं ना मिट्टू क्या करता है. मैंगो पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है. हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं. मिट्टू लाइक मैंगोस. मैंने बोला आपको भी पसंद है ना? मिट्टू को भी बहुत पसंद है. मिट्टू लाइक मैंगोस. उसे मैंगो बहुत पसंद है. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. उसने कहा मुझे तो ये मैंगो खाना है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये मैंगो खाना है. ये येलो मैंगो, राइट? ही फ्लू डाउन टू द ट्री. वो ऐसे अब ऊपर फ्लाई कर रहा था ना, तो बाद में वो नीचे लैंडिंग करता है, डाउन. ही फ्लू डाउन टू द ट्री. ट्री के पास फ्लाई करता है नीचे की तरफ. काऊ
कौन बोला? वो कहता है ये मेरा ट्री है। एक वॉइस, एक आवाज आती है वहां से, वो कहता है ये मेरा ट्री है। मिंटू लुक्ड अप, वो यहाँ वहां देखता है और देखता है कि ये कौन बोल रहा है, ऐसे कौन कह रहा है मुझे। ही से ही सो अ बिग ब्लैक क्रो, जैसे ही वो ऐसे अप देखता है तो वहां पे एक बड़ा सा ब्लैक क्रो है। और कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। बिग ब्लैक क्रो, कम कम गो गो, फिर से वो स्टार्ट हो गया, कहता है कम कम गो गो, फिर से चिल्लाने लगा। द क्रो शाउटेड, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, काम काम कर रहा था, कि वो कहता है कि मेरा ट्री है, मैंगो का ट्री था, वो कहता है मेरा ट्री है। जैसे ही उसने पैरेट को देखा, मिंटू को देखा, तो वो तो काम काम करने लगा। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसका वॉइस इतना लाउड था, बहुत ही लाउड था। वेरी लाउड वॉइस, बहुत ही लाउड, बड़ा वॉइस, ऊंचा बोलता था। मिंटू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, मिंटू तो डर गया, उसे तो डर लगने लगा, क्योंकि उसका वॉइस कैसा था, बहुत ही लाउड था, और वैसे भी वो बहुत ही ब्लैक ब्लैक बिग क्रो था, बहुत ही बड़ा बिग क्रो था। तो मिंटू तो डर गया, ही अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। मिंटू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, वो तो डरने लगा, राइट। ही फ्लू अवे, जैसे ही वो डर गया, बाद में वो क्या करता, वो तो फ्लू अवे, उड़ के चला गया। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करो, आगे रीड करने है ना, मजा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। मिंटू सो अ रेड बलून, मिंटू सो अ रेड बलून, इट वॉज अंडर अ ट्री, मिंटू ने क्या देखा, रेड बलून देखा। कहाँ था रेड बलून? अंडर अ ट्री, अंडर ट्री के नीचे, वेरी गुड। ही हैड एन आइडिया, जैसे ही वो रेड बलून देखता है, उसे एक आइडिया आता है, देखते हैं कौन सा आइडिया आता है, लेट्स सी, ओके। ही पिक्ड अप द रेड बलून, उसने धीरे से बलून उठाया, उसकी रेड पिक कैसी होती है, बहुत ही शार्प होती है, ऐसे उठा देता तो वो कैसे फूट जाता। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. उसने बहुत ही careful से, बहुत ही ध्यान रख के रेड बलून को उठाया। बलून कहाँ था? Under a tree. जो ट्री था उसके नीचे एक रेड बलून था, और उसने carefully उस बलून को उठाया। He flew to the mango tree. उसने उस बलून को लेके के फिर कहाँ जाता है? मैंगो वाले ट्री में। मैंगो वाला ट्री कहाँ था? जहाँ पे ग्रो था वहाँ पे। Yes, he flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. उसने देखा क्रो कहाँ बैठा हुआ था, मैंगो ट्री पे अभी भी बैठा हुआ था। तो क्या करता है नेक्स्ट? मिंटू वेंट बिहाइंड द ट्री, जैसे उसने क्रो को देखा कि ये तो अभी भी वहां बैठा हुआ है, तो वो बलून लेके बिहाइंड ट्री के पीछे की साइड जाके बैठ जाता है। फिर देखते हैं क्या होता है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों। चलो, he picked the balloon with his red beak. फिर उसने अपना जो रेड बलून था वो उठाया, पॉप, द बलून बर्स्ट, उसने ट्री के बिहाइंड जाके उसने अपनी रेड बीक से बलून को बस्ट कर दिया, फोड़ दिया। इट मेड अ लाउड नॉइज, बलून फूटता है तो कैसा वॉइस आता है, बहुत ही लाउड नॉइज आता है ना, बहुत ही आवाज आती है। तो क्रो, क्रो वहां पे था, तो क्रो को तो पता नहीं था कि वो बलून है। कम से क्रो, तो क्रो तो चिल्लाने लगा, काम काम करने लगा। एंड ही फ्लू ऑफ द ट्री, जैसे ही रेड बलून उसने बर्स्ट किया, फोड़ा, तो बहुत ही बड़ा सा वॉइस आता है, बहुत ही नॉइस होता है, तो क्रो डर जाता है और काम काम करके वो ट्री छोड़ के चला जाता है। काम काम अबे
सोचता है कि एक बड़ी सी गन उसके पीछे पड़ी हुई है और वो गन की आवाज सुनते है, उसे लगा कि गन की आवाज है, तो वो वहां से भाग जाता है। He flew away, वो वहां से डर के भाग गया। He never come back to the tree, फिर इतना डर गया था कि उसने कभी वापस आने का सोचा ही नहीं, वो कभी वापस उस ट्री के पास आया ही नहीं। तो मिट्टू की आइडिया तो काम कर गई, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नाउ प्लीज ओपन योर 47 पेज, राइट, लास्ट पैराग्राफ। मिट्टू केम टू द ट्री, ही एट द बिग येलो मैंगो, उसे तो मैंगो खाना था ना, हाँ, तो उसका आइडिया तो काम कर गया। तो क्या करता है मिट्टू, मैंगो ट्री पे जाता है और अपना बिग येलो मैंगो खाता है। यस, यमी यमी, कैसा टेस्ट होता है मैंगो का, बहुत ही यमी होता है। आपको पसंद है मैंगो, बहुत ही यमी होता है, मजा आता है क्यों मैंगो खाने में। What a nice mango! Wow! उसे तो mango खाना ही था, तो क्या था? Wow! What a nice! उसे तो मजा आ जाता है। He said he was very happy. वो तो बहुत happy हो जाता है। एक तो उसे mango खाना था, उसकी idea भी काम कर गई, और वो crow से डरता था, तो crow को तो भगा दिया। Clever Mittu! Mittu clever था ना? हमने यही तो सीखा है इस स्टोरी में। मिट्टू कैसा था, बहुत ही क्लेवर था, उसने बहुत ही केयरफुली से बलून उठाया और फिर क्रो को भी भगा दिया। मिट्टू इज रियली वेरी क्लेवर, राइट। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।